युद्ध किसी व्यक्ति से नहीं गणेश, मानसिकता से होता है। युद्ध में संघर्ष अच्छाई या बुराई का नहीं होता, सभी में अच्छाई है और बुराई भी है पुत्र। युद्ध तो विचारधाराओं का होता है, व्यक्ति अपने पराक्रम पर, अपनी क्षमता पर विश्वास कर युद्ध करता है, और जब उस विश्वास को क्षति पहुंचती है तो सब कुछ निरर्थक प्रतीत होने लगता है। किंतु आपसे पराजित होकर भी लोहितांग क्यों नहीं समझ रहा? उसे अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग कर उचित मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति अपने को खोदे समझती है, व्यक्ति अपने को समर्पित करते, छोड़ दे अहंकार को, तो ब्रह्म की इच्छा ही पूर्ण होती और अभी भी वही फलित हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम उससे भिन्न फलित करा लेंगे, लेकिन व्यक्ति भिन्न फलित कराने में लड़ेंगे, टूटे, नष्ट हो। एक नदी में एक बार बाढ़ आ गई पुत्र, दो छोटे से तृण उसमें बह रहे थे और उसमें से एक नदी में तिरछा पड़ गया और वो बाढ़ को रोकने का प्रयास कर रहा था। वो अत्यंत ऊंचे स्वर में कह रहा था कि नदी को आगे नहीं बढ़ने देगा। यद्यपि नदी तो बस बढ़ती ही जा रही थी, वो फिर ऊंचे स्वर में यही कह रहा था कि मैं इसे अवश्य रोकूंगा। यद्यपि रोक नहीं पा रहा था, नदी को तो उसके संघर्ष का कुछ भी पता नहीं चल रहा था, किंतु नदी को उसके होने या ना होने से क्या अंतर? उस कण के लिए तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण था, उसका जीवन तो संकट में था, वो तो बस बहे जा रहा था। वो जहां भी पहुंचता, किंतु उससे पहुंचना तो संघर्ष करके ही था, किंतु ये बीच का क्षण, ये बीच का काल दुख, पीड़ा, द्वंद्वता का काल है। वहीं दूसरी ओर जो दूसरा तृण था, उसने अपने को समर्पित कर दिया। वो तो नदी में सीधा पड़ा हुआ था, नदी के प्रवाह के साथ साथ बहता जा रहा था और उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वो नदी को दिशा दे रहा है, उसे प्रवाहित होने में सहायता कर रहा। वो तो ये निश्चय कर बैठा था कि नदी को समुद्र तक पहुंचाकर ही रहेगा, किंतु नदी को उसकी उपस्थिति का भी आभास नहीं था। नदी पर उन दोनों के होने या ना होने का कोई प्रभाव नहीं था, नदी तो बस बहे जा रही थी। ब्रह्म की इच्छा को जाना नहीं जा सकता, किंतु ब्रह्म के साथ एक अवश्य हुआ जा सकता, और तब व्यक्ति की अपनी इच्छा तो खो ही जाती है, केवल उसकी इच्छा ही शेष रह जाती है। लोहितांग को अपनी आगे की यात्रा पूरी करने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय अवश्य लेने होंगे। केवल उसके अहंकार को अभी तो उसके आत्मसम्मान को भी क्षति पहुंची। जहां से इस युद्ध का अंत हुआ है, वहीं से लोहितांग के अंतर युद्ध का आरंभ हुआ है, और जो भीतर पराजित होता है उसे हर दिशा में केवल पराजय ही दिखती है। तपस्या की सफलता इससे नहीं आंकी जाती पुत्र कि वरदान प्राप्त हुआ या नहीं,
सफलता का मापदंड यह होता कि तपस्या करने वाले को किस सत्य की अनुभूति हुई और उसे क्या आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। प्रत्येक वरदान के पीछे एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण भी होना चाहिए और वरदान देने वाले के लिए उस कारण और उस मंशा को समझना अति आवश्यक होता। बालपन में संतान के माता पिता ही उसका संसार होते हैं, किंतु जब संतान बड़ी हो जाती है तो उसका अपना एक संसार बसने लगता है। माता पिता दोनों पीछे रह जाते हैं एक दूसरे के साथ। चहचहाने वाली चिड़ियों का गान हमेशा प्रसन्नता का गान नहीं होता, दुख पीड़ा और मोक्ष ये सब अलग नहीं, एक समान। तुम्हारा मोह ही तुम्हारा दुख और तुम्हारे मोह का त्याग तुम्हें पूर्ण रूप से सुखी कर सकता है। समाधि क्या है नंदी? बस एक द्वारी तो है, अस्तित्व से निकलकर स्वयं को पाना है समाधि। जीवन से मृत्यु की छलांग है समाधि, होने से ना होने की यात्रा। असुरक्षा, ईर्ष्या, द्वेष और निंदा और षड्यंत्र जैसे पाप भय से ही उत्पन्न होते हैं और प्रत्येक पाप का प्रायश्चित केवल दुख और कष्ट उठाने से ही संभव होता है। इसलिए भय भी अंत में दुख का कारण बन जाता है। जिसके द्वारा हम अपनी ऊर्जा को एकत्रित कर ब्रह्मांड की महाऊर्जा से जोड़ते हैं। ब्रह्मांड की महाऊर्जा से जुड़ने के पश्चात ही एकाग्रता आती है। एकाग्रता हमारे लिए ज्ञान के द्वार खोलती है। ज्ञान हमें शरीर और भौतिक संसार की निरर्थकता समझाती, हमें व्यष्टि से समष्टि की ओर ले जाता है। हमारा मन स्वार्थ, क्रोध, काम और अन्य कामनाओं से उठकर हमें वास्तविकता के समीप ले जाता है, जहां इस समस्त संसार का सत्य निहित है। अपने अंतर से मुक्त होकर हम जितना बाहर देखेंगे उतना ही भटकेंगे और भटकने का अर्थ है पाप की ओर अग्रसर होना, क्योंकि तुम्हारे बाहर खड़ा भौतिक संसार तुम्हें आवश्यकताओं द्वारा सदैव भटकाने हेतु तत्पर रहता है। वो तुम्हारे सामने आवश्यकताएं पैदा करता चला जाएगा और तुम उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु उचित और अनुचित को भूलकर कब पाप कर्मों में लिप्त हो जाओगे तुम्हें पता ही नहीं चले। इसलिए केवल ज्ञान ही व्यक्ति का और समाज का हित कर सकता, किंतु यह तभी संभव है जब इसे निष्काम भावना से प्राप्त किया जा सके। जब भी किसी व्यक्ति के कार्य में अहम भाव प्रबल हो तो अहंकार व्यक्ति जैसा भी हो उसे अस्तित्व केवल वैसा ही प्राप्त होता है।
व्यक्ति यदि अपने कर्मों के लिए अपने को उत्तरदायी समझे तो वह स्वतंत्र था। जब तक व्यक्ति किसी और को उत्तरदायी समझेगा तब तक वो निर्बल रहेगा। व्यक्ति यदि ये सोचे कि उसके दुख का कारण कोई और है तो सुखी कैसे रह पाएगा? यह असंभव है, क्योंकि दूसरों को परिवर्तित करना उसके वश में, वो तो केवल अपने आप को परिवर्तित कर सकता है। यही एक स्वतंत्रता है उसके पास। जो पीड़ा है, जो कष्ट है, व्यक्ति के अपने फल हल, अपने निर्णय के फल। और जिस दिन वो अपने निर्णय परिवर्तित कर लेगा उसी दिन उसके जीवन में परिवर्तन भी आ जाएगा। जिन्होंने जीवन के प्रति घृणा सिखाई उन सभी व्यक्तियों ने पृथ्वी को नर्क बनाने में अपना योगदान दिया। इसलिए अधिकांश व्यक्ति अपने दोष, अपनी त्रुटियां और अपनी व्यर्थता को जीवन पर आरोपित कर मुक्त हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जीवन ऐसा ही होता है और उसके समक्ष को विवश। वो ये नहीं समझते कि वो जिन प्रवृत्तियों को लिए वो प्रवृत्तियां दुख को जन्म देने वाली वृत्तियां हैं। वो अपनी अज्ञानता के गहराई से अनुभव है और वो अपने अहंकार में ये स्वीकार नहीं कर पाता कि वो तो कुछ जानते हैं। अहंकार सर्वज्ञता का भ्रम उत्पन्न करता है। न जानने की स्वीकृति बहुत बड़ी विनम्रता है और वही पवित्रता भी है। हमें संसार में संतुलन को बनाए रखने की पवित्रता के अधिक कितना व्यक्ति अपने को खोदे समझती है। व्यक्ति अपने को समर्पित करते छोड़ते अहंकार को तो भ्रम की इच्छा ही पूर्ण होती है और अभी भी वही फलित हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम उससे भिन्न फलित करा देंगे, लेकिन व्यक्ति भिन्न फलित कराने में लड़ेंगे, टूटेंगे, नष्ट होंगे। एक नदी में एक बार बाढ़ आ गई। पुत्र दो छोटे से तृण उसमें बह रहे थे और उसमें से एक नदी में तिरछा पड़ गया और वो बाढ़ को रोकने का प्रयास कर रहा था। वो अत्यंत ऊंचे स्वर में कह रहा था कि नदी को आगे नहीं बढ़ने देगा। यद्यपि नदी तो बस बढ़ती ही जा रही थी, वो फिर ऊंचे स्वर में यही कह रहा था कि मैं इसे अवश्य रोकूंगा। यद्यपि रोक नहीं पा रहा था, नदी को तो उसके संघर्ष का कुछ भी पता नहीं चल रहा था, किंतु नदी को उसके होने या ना होने से क्या अंतर? उस कण के लिए तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण था। उसका जीवन तो संकट में था, वो तो बस बहे जा रहा था। वो जहां भी पहुंचता किंतु उसे पहुंचना तो संघर्ष करके ही था। किंतु ये बीच का क्षण, ये बीच का काल दुख, पीड़ा, द्वंद्वता का काल है। वहीं दूसरी ओर जो दूसरा तृण था उसने अपने को समर्पित कर दिया। वो तो नदी में सीधा पड़ा हुआ था। नदी के प्रवाह के साथ साथ बहता जा रहा और उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वो नदी को दिशा दे रहा, उसे प्रवाहित होने में सहायता कर रहा। वो तो ये निश्चय कर बैठा था कि नदी को समुद्र तक पहुंचाकर ही रहेगा।
किंतु नदी को उसकी उपस्थिति का भी आभास नहीं था। नदी पर उन दोनों के होने या ना होने का कोई प्रभाव नहीं था। नदी तो बस बहे जा रही थी। हम की इच्छा को जाना नहीं जा सकता, किंतु ब्रह्म के साथ एक अवश्य हुआ जा सकता है, और तब व्यक्ति की अपनी इच्छा तो खो ही जाती है, केवल उसकी इच्छा ही शेष रह जाती है। युद्ध किसी व्यक्ति से नहीं, गणेश मानसिकता से होता है। युद्ध में संघर्ष अच्छाई या बुराई का नहीं होता, सभी में अच्छाई है और बुराई भी है पुत्र। युद्ध तो विचारधाराओं का होता है। व्यक्ति अपने पराक्रम पर, अपनी क्षमता पर विश्वास कर युद्ध करता है, और जब उस विश्वास को क्षति पहुंचती है तो सब कुछ निरर्थक प्रतीत होने लगता है। विनाश उसका मूल स्वभाव है। संगीत से यह प्रक्रिया और भी प्रबल होती, किंतु विनाश किसका, प्रश्न ये है। जो विनाश अपनी सीमाओं का, ताकि व्यक्ति अनंतता की ओर अग्रसर हो सके, तो ये विनाश आंतरिक है, और उसमें संगीत सहायक अवश्य होता। किंतु यदि मन संकीर्णता के बाहर ना पाए तो विनाश भारी होता, और संगीत इसमें भी सहायक होता। ऊर्जा की अस्थिरता शांति से आती, और स्थिरता के लिए अनिवार्य है शांति। अस्थिरता तो केवल अविश्वास से आती है। ईश्वर सच्चिदानंद है, त्रिकाल बाधित है, निरंतर ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित है, आनंद के सागर है। ईश्वर ही सृष्टि के परम तत्व, निरंजन है, निर्विकार है, निर्गुण और निराकार है, साथ ही सर्व समर्थ भी है। जहां न अमृत न विष, न सुख न दुख, न स्वर्ग न नरक, वही परम आनंद है। उसी परम आनंद तक की यात्रा है तुम्हारी। ये यात्रा आनंद के सानिध्य की है, ये यात्रा सानिध्य के आनंद की है, और इस यात्रा में मैं प्रतिपल तुम्हारे साथ हूं। मुझे ढूंढो मत, केवल पहचानो, तुम ही मैं हूं, मैं ही तुम। हर आरंभ का मैं ही अंत हूं, और हर अंत सदैव मेरा ही आरंभ होगा।